हेलो नमस्कार, एक्शन बॉलीवुड म्यूजिक में आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आइए इस वीडियो में आज मैं आपको मात्राओं के बारे में बताऊंगा, ठीक है? क्योंकि कई बार आपकी जब ताल ठीक नहीं चलती है और ताल आपकी बिगड़ती मात्राओं पे ही, कई बार आप ताल को समझ भी लेते हैं लेकिन फिर भी मात्राएं जैसे डेढ़ मात्रा हो गई, दो मात्रा हो गई या चार मात्रा हो गई, इनको कैसे समझें और कैसे ये गाने में प्रयोग होते हैं। अगर कहीं पे इस तरह का कुछ लिखा मिलता है तो आप उसको कैसे समझेंगे कि हमारी कितनी मात्रा की वो है, ठीक है? तो मात्राओं की समझ भी होना बहुत जरूरी है। मात्राओं की समझ होगी तभी आप सही ताल पे किसी भी चीज को सही ढंग से बजा पाएंगे, ठीक है? तो ये देखिए मैंने पूरा इस पे लिख रखा है, मात्राओं की पहचान, मात्राओं की पहचान कैसे होती है और मीड क्या होता है, कर्ण क्या, खटका या एक बटे चार क्या होता है, एक बटे दो क्या होता है, आकार क्या होता है, बहुत सारी चीजें हैं संगीत में। अगर आप संगीत सीख रहे हैं तो आपको हर चीज का बहुत ही बारीकी से नॉलेज होना चाहिए, तभी आप उसको सही ढंग से कर पाते हैं, तभी उसको बजा पाते हैं, ठीक है? मैं इसको आपको बजा के भी दिखाऊंगा अभी इस पे। सबसे पहले आप इसको समझ लीजिए जो मैंने लिख रखा है। डेढ़ मात्रा, डेढ़ मात्रा का मतलब होता है जैसे कभी आप कोई गाना बजाते हैं, गाने में डेढ़ मात्रा, ढाई मात्रा ये सब चलता है, और जहां डेढ़ ढाई मात्रा होता है वहां पे कई बार हम कण लगा के उसको पूरा करते हैं, ठीक है? और डेढ़ मात्रा का अगर आपको ऐसा कोई लिखा मिलता है, जैसे मान लो कोई आपको बंदिश मिली, बंदिश में कहीं इस तरह लिखा हुआ है या तान में इस तरह लिखा हुआ है, तो उसको कैसे समझेंगे? एक सही एक बटा दो यानी डेढ़ मात्रा। डेढ़ मात्रा का मतलब होता है कि जिससे हमारा सा है, अब सा के बाद रे पे जाना है तो आधी मात्रा लेकर के सारे सारे ऐसे हमें लेना होगा सारे, क्योंकि बीच में ये डैश जो लगा है यही हमारा जो है वो डेढ़ मात्रा को पूरा करता है। सारे गारे सारे गारे इस तरह, मामा 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 इस तरह डेढ़ मात्रा को लिखा जाता है और इस तरह वो गाया भी जाता है, ठीक है? तो ये हो गई डेढ़ मात्रा। डेढ़ मात्रा को आप इस तरह का देखिए। अच्छा मैं अभी आपको समझा तो दे रहा हूं लेकिन ये चीज आपको अभी पूरी तरह से समझ में नहीं आएगी, क्योंकि जब तक आप इसको करेंगे नहीं, जैसे कोई गाना है या कोई बंदिश में जब आपको इस तरह से कोई प्रैक्टिस करवाएगा तभी वो चीज परफेक्ट होगी। एक बार देख लेने से या पढ़ लेने से वो चीज हमको समझ में कभी नहीं आती है, और संगीत में तो बिल्कुल भी नहीं। संगीत में उसको आपको अपने अंदर उतारना पड़ता है और उसको घोटना पड़ता है। जैसे हम कोई चीज घोटते हैं, जब घोटते हैं तो वो बारीक होती है, और जब घोटते हैं तभी वो आपके दिल में उतरती है, मन में बैठती है, ठीक है? ये हो गया डेढ़ मात्रा। दो मात्रा का मतलब होता है सारे गारे, ये हमारा दो मात्रा हो गया सारे गारे। सा के बाद डैश लगा हुआ है तो वो डैश मिलाने से हमारे वो जो एक मात्रा होती है वो दो मात्रा हो जाती है। जैसे आप तान करते हैं, तान में दो दो मात्रा की हमारी हमेशा डबल होती है, ठीक है? तो ताने हमेशा दो मात्रा की होती है। इस तरह अगर कहीं लिखा है सा रे गा रे तो आप समझ लीजिए, ये देखो एक दो लिखा यानी एक मात्रा, एक बीट में दो स्वर, एक बीट में दो स्वर इस तरह। उसके बाद आता है स्वर सौंदर्य। स्वर सौंदर्य का मतलब है कि हम अपने सुरों को सजाते कैसे हैं। जैसे आप स्वर को सिंपल तो ले सकते हैं सा रे गा मा इस तरह ले सकते हैं, ठीक है? तो सौंदर्य का मतलब है, सौंदर्य का मतलब होता है सुरों को सजाना। जैसे सुरों को सजाना हमारा ये लिखा मीड कण खटका। अब मीड का मतलब क्या होता है, जैसे सुरों को एक सुर से दूसरे सुर पे जाना। जैसे इसको हम इधर करते हैं सा सा रे गा, एक मिनट कहीं आवाज आ रही है, ठीक है? तो ये जैसे हमारा हो गया सारे, ये होता है सिंपल स्वर सारे गामा, ये होता है सीधा स्वर, स्वर को फेंकना यानी अपने गले से सारे गामा, ये स्वर सीधा लेना होता है और शुरुआती दौर में हमें स्वरों को सीधा ही लेना चाहिए, ठीक है? ये मीड कण खटका ये सब थोड़ी देर दिनों के बाद शुरू होते हैं। अब मीड का मतलब है सारे
या सा, एक सुर से दूसरे सुर पे जाना, वो भी बिना तोड़े बिना रुके, इसको उठा करके और ऐसे ले जाना। सा म ग रे ग रे ग रे, इस तरह ये मीड होता है। मीड का मतलब एक स्वर से दूसरे स्वर पे उसको खींच के ले जाना, ठीक है। उसके बाद आता है कण। कण का मतलब होता है, जैसे हमने लिया सा रे ग रे ग रे, को जरा सा टच किया और गा पे चले गए, इसको बोलते हैं कण। सा रे ग म ग म प म ग म ग म ग रे ग सा रे नि सा, ये होता है कण, ठीक है। कण का मतलब है एक सुर में दूसरे सुर को टच करना जरा सा। उसके बाद आती है बात खटका की। इसके बाद आता है खटका। खटका का मतलब होता है एक सुर से दूसरे सुर पे कूद के जाना, यानी सगा, इस तरह सगा समा समा नीरे नीरे सारे गा रे गामा, इसको खटका बोलते हैं। खटका का मतलब जैसे सारे गा, ये खटका नहीं है, सारे गा रे गमा गमा गरे निसा धरे निसा, इस तरह ये खटका होता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा खटका। अब आता है फोर मात्रा, 1/4 मात्रा, यानी एक बीट में चार मात्रा, चौगुन जिसको हम बोलते हैं, एक ही बीट में आपको चार स्वर लेने हैं। सरे गमा रे गमा पा, ये अलंकार आपने प्रैक्टिस किया होगा, तो इसमें चार स्वर होते हैं। अब वो हमारी जैसे ताल चल रही है, ये धा धिन धिन धा धिन धिन धा। अब मान लो ये हमारी तीन ताल बज रही है, तो उसपे हमें सरगम कैसे लेनी है। सारे गामा, ये हमारी पहली मात्रा हुई, सारे गामा रे गामा पा गामा पा दा मा पा दा नी, यानी एक बीट पे चार स्वर, उसको बोलते हैं 1/4। सारे गामा रे गामा पा गामा पा दा मा पा दा नी, एक बीट पे चार स्वर लेना, उसको बोलते हैं 1/4, यानी चार मात्रा, ठीक है। एक बीट पे चार मात्राओं को लेना, और वो भी आपका ये इस तरह, इसलिए इसे इसको बांधा जाता है कि यानी एक बीट में चार स्वर हमें लेने। ये देखो एक लिखा भी है यहाँ पे मैंने, एक बीट में चार स्वर, तो इसको बोलते हैं 1/4। अगर कहीं ऐसा लिखा है 1/4, तो समझ लीजिए कि हमें एक बीट में चार स्वर लेने हैं। उसके बाद आता है 1/2, यानी दोगुन जिसको बोलते हैं। दोगुन का मतलब है एक बीट में दो स्वर लेना। सारे सारे रे ग ग म म प सारे रे ग ग म म प प म म ग ग रे रे सा, एक बीट में सारे रे ग ग म म प सारे रे ग ग म म प सारे सारे, यानी एक बीट में दो स्वर, सारे रे ग ग म म प, इस तरह, ठीक है। तो ये हो गया हमारा दो गुण। ये बहुत ही सरल, मैंने सरल तरीके से आपको समझाया। दूसरी चीज देखिए, ये मैंने खाली एक फॉर्मेट बनाया है जिसको आप समझ सकें। जैसे मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये हमारा जो है मात्राओं की पहचान होती, इस तरह हम मात्राओं को पहचानते हैं। बाकी ये सब चीजें आपके अंदर उतरेंगी जब आप उनको प्रैक्टिस करेंगे। ये खाली एक लिखने के तौर पे हमने आपको बताया है, ये सब आपको अपने अंदर इंस्टॉल करनी पड़ेंगी। जब आप दोगुन में जान लो कोई तान बजाते हैं, तो आपको एक बीट में दो स्वर कैसे लिए जाते ताल पे, जब ताल के साथ आप बजाएंगे तभी वो आपके अंदर उतरेंगे। एक बीट में चार स्वर कैसे लिए जाते हैं, जब आप उस तरह की तान को अपने ताल पे बजाएंगे तब वो उतरेगी। डेढ़ मात्रा, दो मात्रा, ये जो भी जितनी चीजें, ये सब आप जब करेंगे, इनको काफी प्रैक्टिस करेंगे, तभी वो चीज आपके अंदर उतरेगी और तभी आप एकदम परफेक्ट हो पाएंगे ताल में। इसके बाद आता है आकार। देखिए यहां पे लिखा है आकार आकार। अब आकार का मतलब, जैसे हमने इसमें लिखा है श्याम, तो श्या
श्या हो गया एक मात्रा और फिर आ आ म। अब श्याम को हमें चार मात्रा में लेना है तो श्याम ऐसे लेंगे, श्याम श्याम श्याम, दो मात्रा बीच में हमें उसको उसमें मिलाना है। श्याम तो दो ही मात्रा का है लेकिन उसको चार मात्रा में हमें लेना पड़ता, श्याम ऐसे नहीं ले सकते, श्याम 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 ऐसे नहीं बोल सकते ना सर, किसी को हम बोलेंगे तो ऐसे बोलेंगे श्याम 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 ऐसे बोलेंगे, तो ऐसे हम जब बोलेंगे तो हमारा बोल चार मात्रा का बनता है, श्याम 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 श्याम, ये दो मात्रा का हो गया, श्याम 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 श्याम, श्या हो गया सा पे और मा हो गया मा पे, और दो मात्रा रे और गा ये हमें बीच में उसमें मीड में एक तरह से लेनी होती है, तो हो जाता है हमारा श्याम, इस तरह हो जाता है, इसी को बोलते हैं आकार। ये आपको बंदिशों में ज्यादातर देखने को मिलेगा, बंदिशों में ऐसे ऐसे एस लिखे होते हैं तो बोल के नीचे जो है हमेशा एस लिखा जाता है, और सरगम के नीचे जैसे ये हमने लिख रखा है सा तो वहां पे खाली डैश लिखा जाता है, क्योंकि सरगम के आगे डैश लिखा जाता है और बोल के आगे एस बनाया जाता है जिससे वो हमारी खाली मात्रा पहचान होती है। ठीक है, इस तरह आपको इसको पूरा अपनी डायरी में लिख लीजिए, ये ताल की पहचान आपको होगी, मीड कण खड़का सब कुछ मैंने आपको बताया, आप इसको बहुत अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। और मैंने बताया ना, मैं कम्युनिटी में इसका अभी पिक्चर भी डाल दूंगा, तो वहां से आप इसकी पिक्चर भी निकाल सकते हैं और अपनी डायरी में सबको लिख सकते हैं, ऐसे भी आप लिख सकते हैं जो आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, ये ताल के लिए बहुत ही बढ़िया वीडियो, पहले इसको पूरा लिख ले और उसके बाद इस पर अपनी प्रैक्टिस करें। ठीक है, ये मैंने आपको जो समझाया मैं उम्मीद करता हूँ जरूर आप इसको समझ पाए होंगे, और अगर देखिए आपको ताल ठीक नहीं है तो उसके लिए फिर आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और उसके लिए आपको क्लास लेनी पड़ेगी, ये डेढ़ मात्रा ढाई मात्रा दो मात्रा ये सब चीजें आप जब तक बैठेंगे नहीं साथ में हमारे तब तक मैं कैसे समझा पाऊंगा। वीडियो में तो चलो बता दिया आपने सुन लिया, लेकिन आपको कितना समझ में आया कितना समझ में नहीं आया वो चीज तो जब ही क्लियर होगी जब आप हमारे साथ बैठेंगे। ठीक है, तो अगर सीखना चाहते हैं तो आप क्लास ज्वाइन करें, हमारी क्लासेस ऑनलाइन होती हैं, वीडियो कॉल से, कहीं आपको जाने की जरूरत नहीं है, वीडियो कॉल कीजिए और घर बैठे ही सीखिए, जैसे मैं आपको बताऊं वैसे आप प्रैक्टिस कीजिए तो आपकी ये ताल भी अच्छी हो जाएगी और आप अच्छा गा भी पाएंगे, एकदम रिदम में सही हो जाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं, नमस्कार।